इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी से बिगड़े हालात पर नजर बनाए रखने के लिए बात कही और नाराजगी जाहिर की। जस्टिस सीएस सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की बेंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर विचार कर जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के सवाल पर आज नीतीश सरकार लॉकडाउन पर जवाब दाखिल करेगी। कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाएं नहीं बढ़ाने पर भी हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्य में कोई एडवाइजरी कमेटी तक नहीं बनी है जो इस कोरोना विस्फोट से निपटे। कोई वॉर रूम तक नहीं बना है। ऐसा लग रहा है कि पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है। जनहित मामले की सुनवाई के जरिए पटना हाईकोर्ट राज्य में महामारी से निपटने में सरकारी इंतजाम और कामकाज की मॉनिटरिंग कर रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सोमवार को कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले आए। इस दौरान 82 मरीजों की मौत भी हो गई। राज्य में अभी भी 1,07,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस बने हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।